2009 में जो थ्री इडियट पिक्चर बनाई आमिर खान ने और पूरे हिंदुस्तान की मीडिया ने चलाया कि वो सोनम वांगचुक के ऊपर पिक्चर बनी थी। सोनम वांगचुक इसका बाप कश्मीर की सरकार में, जम्मू कश्मीर की सरकार में, अब्दुल्ला की सरकार में मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर था। तो ये कोई गरीब नहीं था, ये कोई अनाथ नहीं था, ना इसने कोई ऐसा करिश्मा किया था जैसा बना के थ्री इडियट में दिखाया गया। तो उस कांग्रेसी कैबिनेट मिनिस्टर के लौंडे को किस तरह ओबलाइज करना शुरू करती है कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में थी। 2004 में मनमोहन सिंह भारत का प्रधानमंत्री बना, सोनम को हमेशा कांग्रेस पार्टी से विशेष संरक्षण मिला, उसे लद्दाख हिल काउंसिल विजन डॉक्यूमेंट लद्दाख 2025 की ड्राफ्टिंग कमेटी में नियुक्त कर दिया गया। अब सोनम वांगचुक का नाम आया है, ये जोड़ना इसलिए जरूरी है सर, ऐसा लग रहा था कि उसकी तैयारी लद्दाख में इसलिए कराई जा रही थी, उसके बाद एक किसान आंदोलन में, मतलब एक नया नायक, हमेशा एक नया नायक, ये खेल क्या है उसकी गिरफ्तारी, वो ये उसे तो स्टार बनाया जा रहा था, वो तो लद्दाख का अन्ना हजारे बन रहा था सर, महात्मा गांधी बन रहा था। अब जरा उसकी असलियत सुनिए मनी जी, पहले मैं जरा पढ़ दूं, मैंने क्योंकि मैं इतना बोल नहीं पाता, मैं याद नहीं रह गए मुझे। अब जरा उसकी असलियत क्या है, वो कौन आदमी, उसके बाद फिर हम लोग चरणबद्ध चलते हैं। और दर्शकों से कहूंगा बड़े ध्यान से सुनिएगा कि 80 या 90 के लास्ट में एक अमेरिका से एक औरत आती है, रेबेका नॉर्मन, वो हिंदुस्तान आती है, वो सोनम वांगचुक से मिलती है और एक हुई और उन्होंने 1996 में शादी कर ली। 1996 में सोनम वांगचुक उससे शादी कर लेता है और जो शादी करता है तो उसकी किस तरह से उसकी लॉटरी खुलती है, जरा अब ये विवरण सुनिए कि वो अमेरिकी महिला उसकी पत्नी बन जाती है और उसके बाद 96 में शादी करता है। 2002 में सोनम उसको अशोका फेलोशिप मिली जो स्कॉल फाउंडेशन, स्वाब फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित थी, यानी टोटल अमेरिकी फंडिंग उसको शुरू हो जाती है 2002 से। 2004 में अब ये देखिए कांग्रेसी गुर्गा, और इससे पहले जरा एक बात और आप लोगों को बता दूं कि ये कांग्रेसी इसको 2009 में जो थ्री इडियट पिक्चर बनाई आमिर खान ने और पूरे हिंदुस्तान की मीडिया ने चलाया कि वो सोनम वांगचुक के ऊपर पिक्चर बनी थी, तो उसमें बता दें बड़ा गरीब, बड़ा अनाथ जिसका कोई नहीं है और वो कर रहा है, तो ना तो ये गरीब था और ना ये अनाथ था, इसका बाप सोनम वांगचुक, इसका बाप कश्मीर की सरकार में, जम्मू कश्मीर की सरकार में, अब्दुल्ला की सरकार में मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर था, उसका नाम था सोनम वाग्याल, उसका ये लौंडा है। तो ये कोई गरीब नहीं था, ये कोई अनाथ नहीं था, ना इसने कोई ऐसा करिश्मा किया था जैसा बना के थ्री इडियट में दिखाया गया। और पूरे देश की मीडिया लग गई, तो क्यों लगती है मीडिया, ये आप समझ सकते हैं कि विदेशी मामला था। और आज भी आपको सोनम वांगचुक की वो सच्चाई ये नहीं बता रहे जो आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि 1996 में ये शादी करता है रूबिका नॉर्मन से और उसके बाद 2002 में इसको स्कॉलरशिप मिलती है तीन विदेशी एनजीओ की। और जरा आगे सुनिए, जब 2004 में मनमोहन सिंह यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस कांग्रेसी कैबिनेट मिनिस्टर के लौंडे को किस तरह ओबलाइज करना शुरू करती है कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में थी, वो जरा सुनिए, बहुत थोड़ा सा है कि 2004 में मनमोहन सिंह भारत का प्रधानमंत्री बना, सोनम को हमेशा कांग्रेस पार्टी से विशेष संरक्षण मिला, उसे लद्दाख हिल काउंसिल विजन डॉक्यूमेंट लद्दाख 2025 की ड्राफ्टिंग कमेटी में नियुक्त कर दिया गया। और 2004 में शिक्षा और पर्यटन पर नीति बनाने का काम सौंपा गया, यानी सरकार से फंडिंग शुरू हो गई 2004 आते ही, और ये काम वो करता रहा। और उसके बाद इसकी जो लॉटरी खुली कि 2000 अब यहां से मनीष जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2014 में आ गए तो जिस काम के लिए इसको पाला जा रहा था उस काम का इसको धंधा शुरू, अभी इसको नंगा करूंगा किस तरह से बदला है कि 2016 में उसके स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा दिया जाने वाला इंटरनेशनल फ्रेड एम पैकार्ड पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार रॉकफेलर, प्यू, पैकार्ड फाउंडेशन आदि द्वारा वित्त पोषित है। 2017 में उसे टीएन खोचू मेमोरियल पुरस्कार मिला जिसे फोर्ड फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। और 2018 में उसे अपना सबसे बड़ा पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार मिला जो 100% फोर्ड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो ये 2014 में क्योंकि मोदी आ गए थे तो उसके बाद खिलाड़ियों ने खेल शुरू की 2014 तक, तो ठीक था, सोनिया सरकार थी, इसको रकम मिल रही थी, दुनिया भर की कमेटियों का मेंबर था और ये शांत था, और ये कितना धूर्त शांत था ये खेल, जरा अब आप समझिए कि 2018 में इसको मिला है मैग्सेसे पुरस्कार और उसके बाद इसका खेल कैसे शुरू होता, जरा मनीष जी अब शुरू से शुरू हो जाइए,
और एक बने बड़े क्रम से डाले हैं वीडियो, उसके बाद दर्शक अपने आप समझ जाएंगे कि ये क्या कर रहा था। और उसमें मैंने एक दो खबर डाली है वो इसको नंगा कर देगी। एक एक करके आइए मनीष जी अपने आप कि ये कांग्रेस का दलाल है, कांग्रेसी एजेंट है, और कांग्रेसी दलाल नहीं, ये दलाल तो महीनों अमेरिका के में दलाल है। हमें यह पता ये चला कि ऐसा भी नहीं है। केंद्र सरकार में केंद्र के नेता, मंत्री, गृह मंत्री सब लद्दाख के हितैषी हैं, भला चाहते हैं, देना चाहते हैं। हमें फिर ये पर्दा जो हमारे बीच में केंद्र के साथ आ गया था वो पर्दा फाश होते हुए नजर आया, और पता ये चलने लगा कि कुछ औद्योगिक गुट, इंडस्ट्रियल लॉबीज जैसे माइनिंग, खनन, जिनको लद्दाख के ये वादियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में पैसा दिखता है, जो कल की नहीं सोचते, आज की लूट मचाने में लगे हैं हिमाचल में, उत्तरांचल में, पूरे हिमालय में, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग हिमालय में भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, ये अंधाधुंध विकास के नाम पर जो उद्योग का तांता लगा हुआ है, यही आप उत्तराखंड में देख रहे हैं। अब लद्दाख के दरवाजे पे दस्तक देने जैसे ही यूटी घोषणा हुई, तो ऐसे घरानों ने, ऐसे गुटों ने, लॉबीज ने यहाँ अपना सर्वेक्षण करना शुरू किया, और हमारे जो नेता हमारी आवाज को ले जाने के लिए चुने गए थे लद्दाख से, वो हमसे ज्यादा उनके असर में आए और उनके साथ मिलकर वो लद्दाख को बेचने लगे, खरीद फरोख्त करने लगे। सिख शेड्यूल, सिख शेड्यूल, भारत माता की, भारत माता की। ठीक यही बात राहुल गांधी ने भी कही जब 4 महीने पहले वे लद्दाख के दौरे पर गए थे। वह राहुल की बात नहीं थी, वहां के लोगों की बात थी। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। मामला जमीन का है, और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं, अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। अब मनीष जी जरा इसी जरा एक एक करके चलते हैं। अब जरा इसकी बात से ही इसको नंगा करता हूं। ये तो अभी आता हूं मनीष जी बाद में। जरा ये जो वीडियो में बोल रहा था ये हिमाचल और उत्तराखंड से अपनी तुलना इसने की है। दर्शक जरा आपने सुना होगा कि हिमाचल में भी वही कर दिया, उत्तराखंड में भी कर दिया, और अब वही लद्दाख। तो ये हिमाचल और उत्तराखंड के समकक्ष ये खुद को रख रहा है। तो अब जरा बता दूं कि इस धूर्त की ये इसकी मांग क्या है, इस पर अभी हम लोग आएंगे कि हिमाचल की जो वो है प्रति व्यक्ति आय, हिमाचल प्रदेश में 2,35,000 प्रति व्यक्ति आय है, और जो उत्तराखंड की है वो 2,60,000 रुपए प्रति व्यक्ति है, और लद्दाख में 1,00,000 से कम है। ये जरा असलियत समझ लिया, आधे से भी उनसे कम है जितनी उनकी है, उसका समझिए 35% 40% लद्दाख की आय है। ये इस धूर्त की असलियत है, और ये उनसे बात करके कह रहा है कि हम अपना नहीं करने देंगे। और जरा अब बताता हूँ इसकी मांग क्या है। इसकी मांग है कि यहाँ इसको राज्य बना दिया जाए। और जरा अब आइए बोली जी इससे निचले वाला वीडियो कह रहा हूँ, उसको खबर दिखा दीजिए कि मैंने इसका 2019 का वो निकाला है मनीष जी, इसका जो ट्वीट है वो ट्वीट दर्शक देख ले। ये 5 अगस्त 2019 को इस बात पे नाच रहा था। जरा पढ़ देता हूं ये कह क्या रहा था कि जब वो धारा 370 हटी तो ये इसका 5 अगस्त को इसका जो ट्वीट आया कि थैंक यू प्राइम मिनिस्टर लद्दाख, थैंक्स प्राइम मिनिस्टर मोदी पीएमओ ऑफ इंडिया फॉर फुलफिलिंग लद्दाख लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम। इट वॉज एग्जैक्टली 30 years अगो इन अगस्त 1989 दैट लद्दाखी लीडर्स लॉन्च द मूवमेंट फॉर यूटी स्टेटस। थैंक यू ऑल हु हेल्प्ड इन इज दिस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यानी ये कह रहा था कि हम लोग 30 साल से यूटी स्टेटस के लिए मांग कर रहे थे, और उसको 30 साल बाद अगर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया है तो उनको बड़ा हृदय से धन्यवाद। ये 5 अगस्त 2019 का इसका ट्वीट है कि इसके इससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता। और अब जरा बगल वाली खबर दिखा दीजिए कि 1923 में ये कह क्या रहा है। 1923 में इसको डर लगने लगा। 1923 में कांग्रेसी दलाली में जब ये उतरा, 2023 में कह क्या रहा है
कि सोनम वांगचुक लद्दाख टॉप एनवायरमेंटली एंड वेल नोन इनोवेटर सेज लद्दाख कैन नॉट रिमेन अंडर परमानेंट गवर्नर्स रूल. ही आल्सो सेड दैट ही फील्स अनसेफ एंड अनशील्डेड इन द यूनियन टेरिटरी स्टेटस ऑफ लद्दाख. यानी इसको यूनियन टेरिटरी में डर लगने लगा कि लद्दाख गवर्नर के अंडर में नहीं रहेगा, अनसेफ ये महसूस करता है. तो ये आप ये इसका ये जो 30 साल से इसका बाप भी जब मंत्री था उस अब्दुल्ला सरकार में कांग्रेसियों की चमचागिरी करके कांग्रेसी कोटे से मंत्री था, तो इसका बाप भी यूनियन टेरिटरी नहीं बनवा पाया था. उस यूनियन टेरिटरी को 30 साल से खुद बता रहा है कि वहां मांग कर रहे थे, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने जब पूरा कर दिया तो वो अभी बता गया वो पाड़ा कि वो राहुल गांधी जाता है वहां पे. और राहुल गांधी जरा दर्शकों को और याद दिला दूं कि आपको याद होगा कि पूरी दुनिया में तो वो मंडली लेकर घूमता है, लेकिन लद्दाख के दौरे में जब वो गया था तो 3 मुसलमानों को लेकर गया था. 3 विदेशी मुसलमान थे, 2 केनिया के मुसलमान थे और 1 इटली से आया था. और उनके साथ 3 दिन ये क्या करता रहा, किससे मिला, क्या किया, ये वहां से लौटा, वो अपने अपने देश चले गए और उसके बाद ये सोनम वांगचुक की नौटंकी शुरू हुई. तो ये है इसका जरा ये अभी इसका पूरा अभी तो ये अधूरा है. जरा आगे आइए मनीष जी. हम लोगों ने इस पे तो एक शो भी किया था, मुझे लगता है कि वो वीडियो जो इसके पुराने खेल को जो हम लोगों ने खोला था उसको दिखा दे. ये 21 अगस्त को जब ये 3 लोगों के साथ राहुल गांधी गया था, तो जरा उसका भी सुन लीजिए. तो जिन 3 लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 3 मुसलमानों का जिनको गुप्त रूप से लेके गायब हो गया था लद्दाख में, उनकी ऐसा क्या थी. पूरी कांग्रेस पार्टी बॉस लद्दाख और पूरा उसका महिमा मंडन हुआ. मोटरसाइकिल से राहुल ने यात्रा क्या की, लेकिन राहुल की लॉन्चिंग हर बार कुछ ना कुछ कांड कर जाती है. क्या कांड कर गया इस बार लद्दाख में राहुल का? बाबूजी के जन्मदिन मनाने के लिए राहुल गांधी लद्दाख गए मौज मस्ती करने के लिए, तो क्या हो गया? कौन उनके साथ थे कि फिर मुद्दा बन गया कि आखिर देश विरोधी शक्तियों के साथ क्यों खेलते हैं राहुल गांधी? बता दूं कि देखिए लद्दाख जो है ये आम टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बिल्कुल चीन के साथ लगी हुई सीमा और बहुत संवेदनशील और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील है वो. आप श्रीनगर जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, पहलगांव जाते हैं कश्मीर में, उतना मामला नहीं, वहाँ कोई भी जा सकता है, वहाँ कुछ भी शूटिंग हो सकती है. लेकिन लद्दाख में बहुत से इलाके बड़े प्रतिबंधित हैं और वहाँ पर निगाह रहती है हमेशा 24 घंटे 365 दिन भारतीय सेना वहाँ सतर्क रहती है. बिल्कुल चीन से सटा हुआ, वहाँ सब कर्म होते हैं. और वहाँ पर जब पढ़ा तो मैं चौंका कि इसके साथ जो 3 लोग गए हैं मनीष जी, उसमें 2 मुसलमान हैं, केनिया के मुसलमान हैं और 1 इटली का है. और इटली वाला जो है उसकी क्वालिफिकेशन आप जो देखें तो उसके बाद ये मामला बहुत संवेदनशील हो जाता है, बहुत गंभीर मामला हो जाता है. और सब इस राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि हर जगह अभी ये भारत तोड़ो भारत जोड़ो यात्रा चला रहा था, तब तो ये पूरी लहर अपने साथ लेकर चल रहा था, फलाने आ जाओ, धमाके आ जाओ, पूर्व सैनिक आ जाओ, पूर्व फिल्मी दुनिया के लोग आ जाए लद्दाख के मिशन पर. ये इन अनजान लोगों को पूरी तरह से तकनीकी रूप से सुपर एजुकेटेड कहिए, सुपर ट्रेंड जो अभी इनके क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो दर्शक चौंकेंगे मनीष जी, कि उनको लेकर ये लद्दाख गया और किसी को खबर नहीं, इसने कोई घोषणा भी नहीं की, इसने कोई ऐलान नहीं किया. वो तो प्रीति गांधी ने जो ट्वीट किया तो लोग जाने, लेकिन उनके पास भी डिटेल नहीं था. फ्री प्रेस जनरल अखबार ने इनका पूरा डिटेल निकाला, वो उन्होंने छापा है अपनी वेबसाइट पे. तो वो उसके बाद तो मोदी जी चौंकना था कि ये इसको पूरे 140 करोड़ के हिंदुस्तान में इसको कोई इसका साथी नहीं मिला. और इसको साथी कौन मिला, केनिया के 2 मुसलमान, मतलब केनिया ऐसे देश, और एक इटली का और वो जो है तो मामा रहा होगा इसका. तो ये आप सुनिए. और मनीष जी और जो अब जो आखिरी ट्वीट है वो आप सुन लीजिए कि ये सोनम वांगचुक को नंगा कर देता है. ये बड़ा लद्दाख के लिए इसकी छाती फटी जा रही है. तो मैंने बताया कि इसको 2200 विदेशी फंडिंग मिलने लगी थी, 2004 में इसको केंद्रीय समितियों में रखा जाने लगा था, केंद्र सरकार से इसको रकम मिलना शुरू हुई थी. तब इसको 2012 में कांग्रेस की सरकार किस तरह से देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रही थी, और देश हित की बात करिए तो देश के पीठ पर कैसे छुरा मार रही थी. ये इसका नंगा सच. और ये कहीं पान की दुकान पे या कहीं सड़क की बात पे नहीं हो रहे, देश की संसद के अंदर लद्दाख का सांसद जिस समय सुना रहा था उस समय कांग्रेसियों के सर शर्म से झुके हुए थे. तो जिस समय 2012 की बात बनी जी वो सांसद बता रहा है लद्दाख का, तो 2012 में ये जो सोनम वांगचुक है ये क्या गांजा बेचता था कि भांग बेचता था कि सारा गांजा भांग खुद पी के सोता था, अफीम खा के सो जाता था, इसको होश नहीं है. उस समय इससे बड़ा दगा नहीं हो सकता पूरे लद्दाख के साथ, पूरे देश के साथ इतना बड़ा दगा. और वो संसद के अंदर बताया है उस सांसद ने, और उसको कोई काटने की हिम्मत नहीं कर पाए कांग्रेसी आज तक.
कि 2012 में कैसा छल हो रहा था, तो इससे पता चल जाता कि ये सोनम वांगचुक उस समय किस तरह उस देश के साथ गद्दारी के समय देश के साथ देश की पीठ में छुरा जब मारा जा रहा था तब ये गूंगा बहरा बना गांजा भांग बेच रहा था। जरा मनीष जी उस वीडियो शुरुआत दीजिए, अपने आप में सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से कंबल बिछा के वहां सड़क बना देते थे कांग्रेसी। और ये जो सोनम वांगचुक है तब इसको याद नहीं आया कि क्या हो रहा है लद्दाख के साथ और अब ये क्या कह रहा है, फिर बताता हूं मैं। जरा ये देखिए कि कांग्रेसियों की करतूतें देखिए कि ये देश के साथ कैसा छल करते थे, कैसे देश को लूट रहे थे। और ये देश के संसद के अंदर वो जेरिम नांग में नामग्याल नाम था उनका, जो उस समय 2014 से 19 के बीच में सांसद, 2019 से 2024 के बीच में सांसद थे। जरा सुनिए उनकी बात और क्या कह रहे हैं संसद के अंदर, बहुत ध्यान से सुनिए। नहीं नहीं है मनीष जी, पढ़ा हुआ है वो तो बहुत जरूरी है। देखिए इसी के नीचे पढ़ा, जो अभी आपने खोला उसी के नीचे है, वो उसी के नीचे है वो रिट्वीट किया है तो शायद वो वीडियो नहीं आ पाया। हम लेकर हम लोग कोशिश करते हैं उसे सुनाने का। ये दिखाता है कि इस तरह की किस तरह के एजेंडेबाज जो हैं, हाँ यदि आपके पास हो तो उसे आप सुना दीजिए। आपने हाँ, लिखा है कि हाँ 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 मैं सुना देता हूँ मुनीश जी, दर्शक जरा हाँ यही तो है मुनीश जी, तब कहा था ये इसी के नीचे होगा। देखिए हाँ, पर इसके वीडियो इसके अंदर शायद वो म्यूट हो गया है मेरे ख्याल से, नहीं आ रहा। अच्छा चलिए मैं कर आगे आगे हाँ हाँ जरा सुनिए। फिर वहां से जाके मोरगो दौलत भी गुड़ी सेक्टर पूरे उस एरिया को नॉर्दर्न सब सेक्टर कहते हैं, जहां कनेक्टिविटी के लिए डीएसडीबीओ दौलत दुर्भुक शायोक दौलत भी उड़ी जो एक सड़क होता है, माननीय अटल जी के सरकार के दौरान वहां पे सड़क बनाने के जो निर्णय लिया 220 किलोमीटर का, 2020 में वो काम चालू हुआ। उसके बाद कांग्रेस सरकार आया, अध्यक्ष जी मैं आपको बता दूं 2012 तक वो सड़क कंप्लीट नहीं हुआ, बना ही नहीं हुआ पे, और विजिलेंस लग गया। विजिलेंस में बताया कि वहां तो इतना दूर है, बर्फ है, पानी है, नहीं जा पाएंगे, आपको हेलीकॉप्टर की कराते हैं। तो विजिलेंस कमेटी को हेली में ले गया। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहा हूँ। हेली में लेके गया ऊपर से हेली से, हाँ भाई नीचे से सड़क है, अच्छा ब्लैक टॉप किया हुआ है, देखा रिपोर्ट सबमिट किया, लेकिन उसमें यह बताया कि अच्छा ये बीच बीच में पानी आ रहा है तो ये रियलाइनमेंट करके दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये जितने भी हजारों करोड़ है वो अध्यक्ष जी अभी तो शुरू किया प्लीज। तो वो सड़क जो है रिपोर्ट में बता दिया कि अच्छा ये ब्लैक टॉप हुआ, बीच बीच में इसको रियलाइनमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं अध्यक्ष महोदय, सड़क बने ही नहीं, नीचे ब्लैक टॉप के जगह कंबल बिछा दिया इन्होंने, कंबल बिछा दिया। आप यकीन करोगे, कंबल बिछा के वो आज भी मैं वहां सहयोग जाता हूँ, दुर्भुक जाता हूँ, टंग से जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, वही लोग जो ग्राउंड की हकीकत कहानी मुझे बताते हैं, संसद जी ऐसा होता था। लेकिन आज 2014 में मोदी जी की सरकार आई, तब से उस काम में रफ्तार पकड़ा, नए सिरे से शुरू किया 2017 तक, दौलत भी गुड़ी सेक्टर तक 220 किलोमीटर का सड़क चकाचक बना दिया। 2019 में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां जाके 500 मीटर के गलवान घाटी के सामने एक ब्रिज का इनॉग्रेशन होता है। ये बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्या? उस रोड के समेत 37 ब्रिजेस जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहता हूं ये हो रहा है बॉर्डर में। ये बार बार पूछ रहे हैं कि बॉर्डर में क्या होता है। सुना मनीष जी कि कांग्रेसी वहां पे कंबल डाल के फोटो खींच के उन्होंने दिखा दी कि यहाँ पे सड़क बन गई और ये सोनम वांगचुक ये वहीं मर रहा था, वहीं रहता, वहीं नेतागिरी कर रहा था। और इसका बाप क्योंकि कांग्रेसी मंत्री था तो ये 2012 में नहीं बोला, 2012 में नहीं बोला, 13 में नहीं बोला, आज तक नहीं बोला इस पाप पे। और मैं इसलिए इस बात को बहुत महत्व देता हूं कि देश की संसद के अंदर खड़े होकर उस सांसद ने नंगा किया कांग्रेस को कि कांग्रेस कैसे दगा करती थी और उस दगाबाजी में कैसे बढ़ चढ़ के सोनम वांगचुक साथ देता था कि देश की पीठ में छुरा मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज वो भी बताया उस सांसद ने कि आज वहां पर चकाचक कितनी रोडें बन गई हैं, तो उस सरकार के खिलाफ ये खड़ा हुआ है। तो ये मनीष जी केवल एक एजेंडे पे लगा है कि लद्दाख में किसी प्रकार का कोई निर्माण ना हो, ये केवल इसलिए एजेंट की तरह, विदेशी एजेंट की तरह उतरा है। और इसको जो दिल्ली पुलिस ने पकड़ा कल छोड़ा और दोबारा फिर पकड़ लिया है,
केवल पकड़ो नहीं, इसके ऊपर लठ तोड़ो, इसको इसके ऊपर बजाओ लाठी, और तब ये इस तरह के लोग ठीक होंगे, अन्यथा ये आस्तीन के सांप बनकर देश को डसते रहेंगे। और मैं तो दर्शकों से कहूंगा, मैंने इसीलिए कहा था कि इसका इसका जरा ध्यान से सुनिएगा कि इसका जमकर विरोध करिए, जो मैंने सच्चाई बताई है मेरे ट्विटर पर भी पढ़ी है, इसको शेयर करिए और लोग जाने कि ये किस तरह से अमेरिका का पाला हुआ कांग्रेसी दलाल कह लीजिए, अमेरिकी दलाल कह लीजिए, चीन का दलाल कह लीजिए, ये भारत विरोधी दलाल कह लीजिए, इस दलाल को नंगा करिए। और इसमें वो जो बौना है बॉलीवुड का, वो बौने उस बौने की भी बड़ी इसमें भूमिका है कि 2008 में शुरू हुआ और उसके बाद बौने ने 2000 में इस पर पिक्चर बना दी और उसको देखा बड़ा अनाथ और बड़ा गरीब। और हमारे यहाँ का कोई न्यूज चैनल आज तक इसकी पूरी सच्चाई बताता नहीं। मनीष जी शर्म इस बात पे आती है, ये ऐसा बताते हैं कि ये तो थ्री इडियट इसी ऊपर बनी थी। अरे इसका बाप मंत्री था 30 साल, वो भी खोपड़ी पटकता रहा, नहीं ला पाया वहां पे लद्दाख को यूटी नहीं बनवा पाया, वो बनाया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन हमारे यहाँ का मीडिया इसको कैसे हीरो बनाता है। तो ये भी एक तरह से उस देश के साथ दगाबाजी में ये भी शामिल है उसके साथ। बिल्कुल, इससे लगता है कि कैसे तैयार किया जाता है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, कैसे मार्केटिंग तैयार किया जाता है। ये थ्री इडियट के समय ही इस दरअसल वो फिल्म इसके मार्केटिंग के लिए बनाई है, बनी थी झूठ के लिए तैयार, अलग अलग कहीं केजी तैयार किया जा रहा था, ये सब एजेंट कहां। और आज आपको समझ में आ रहा है कि उस समय लग रहा था कि केजरी एक क्रांतिकारी आंदोलन चला रहा था, तो 2015 में कांग्रेस के साथ सरकार क्यों बनाया। उसके बाद फिर उसका अभिषेक मनु सिंह भी लगातार पूरे केजरी गैंग की वकालत सुप्रीम कोर्ट में क्यों कर रहा है। यदि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी लड़ाई थी तो हर जगह कांग्रेस एजेंट के रूप में काम क्यों। नहीं, उसने सारा वो गूं खाया जिस गूं को उस समय फैला रहा था, वो लालू के साथ गया, वो स्टालिन के साथ गया, वो अखिलेश के साथ गया, वो मुलायम के साथ गया, वो सब काम उसने वो किए जिसको लेके वो हीरो बना था, जिनको गाली देके हीरो बना था। तो उसको गाली देनी नहीं थी, ना उसको भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का कोई परहेज था, वो तो उस समय क्योंकि लाइट में आना था तो लाइट में आ गया। उसके बाद वो सब कुछ वही कर रहा है जिसके लिए ना करने की कसमें खाता था, वो जिसको बाप बताता था, अन्ना हजारे उसके लात मारी तो आज तक संभल नहीं पाया है। वैसे ही सोनम वांगचुक क्योंकि ये बैठा है लद्दाख में, इसकी असलियत क्योंकि जिसको बताने की जिम्मेदारी है, जिस मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी है, वो मीडिया इसको हीरो बना के प्रस्तुत करता है। इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ी बोलने की, और मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की कुछ मदद करना चाहते हैं तो इसका ये सच पूरी दुनिया तक पहुंचाइए, इसको नंगा करिए इस दलाल को, अमेरिकी दलाल को। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है क्योंकि फिर दोबारा कोई केजरी ना पैदा ले ले, फिर ये भारत का घातक ना हो।